हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। वो कौन से कारण हैं ये जानेंगे, और साथ में जानेंगे कि एकादशी व्रत के विशेष नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्र में यूँ तो सभी व्रतों का महत्व है, लेकिन एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को करने से श्री हरि भगवान विष्णु मनुष्य के सभी पापों का नाश कर देते हैं, लेकिन इस व्रत को करने के विशेष नियम भी बताए गए हैं। अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो व्रत का कोई फल नहीं मिलता, और धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत के दिन कभी भी लहसुन, प्याज और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज को तामसिक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि व्रत के दिन इसे खाने से मन में अशुद्धता आती है। लेकिन चावल खाने को पाप मानने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। आइए जानते हैं वे कौन से कारण हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था और उनका अंश धरती में समा गया था। माना जाता है कि चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए थे, और यही वजह है कि चावल और जौ को जीव मानते हैं। एक कथा के अनुसार जिस दिन महर्षि मेधा का अंश धरती में समाया था उस दिन एकादशी थी, और इसलिए ही एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा होता है। इसलिए दोस्तों, एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते हैं तो भूल के भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, वहीं जल चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है, और चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा फिर ज़्यादा हो जाती है, मात्रा बढ़ती है। इससे क्या होता है कि मन विचलित होता है और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल से बनी चीज़ों का खाना वर्जित माना गया है। तो ऐसा वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से चावल क्यों नहीं खाने चाहिए ये आज हमने जाना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई भी व्रत रखते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, तो व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, और धर्मशास्त्रों में एकादशी के दिन कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको निर्देशों का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कभी भी एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस मछली और अंडा ये नहीं खाना चाहिए, और इसके साथ ही व्रत रखने वाले को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए, और इस दिन वाद विवाद से भी बचना चाहिए, और इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और गौ माता की सेवा करनी चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए, यानी कि तुलसी के पेड़ के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे दिया जरूर जलाना चाहिए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा, और वीडियो को आगे बढ़ा के शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।